आज एक शानदार टूर्नामेंट मेला रायगंज में हुआ, जो कि प्रथम स्वर्गीय मुख्तार अहमद टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया, जिसके आयोजक नादिर हाशमी रहे। पहला मैच फतेहपुर रामनगर के बीच में टॉस हुआ। टॉस फतेहपुर के कप्तान उबैद ने जीता और बैटिंग रामनगर के कप्तान हनीफ को दिया और रामनगर पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। रामनगर के बल्लेबाज रचित गुप्ता ने 104 रन बनाए। निखिल ने 13 रन, निक्कू ने 12 रन, फतेहपुर रोशन 2 विकेट लिए तो राहुल ने 2 विकेट लिए। बाद में फतेहपुर बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाकर आउट हो गई। इसी तरह रामनगर ने यह मैच 12 रन से जीत लिया। फतेहपुर बल्लेबाज सरदार 68 रन, ऋषभ 18 रन, राहुल 17 रन बनाए। रामनगर के बॉलर सिद्धार्थ ने 4 विकेट लिए, निक्कू 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रचित गुप्ता को दिया गया। इसी तरीके से आज के जो मुख्य अतिथि रहे पूर्व कारागार मंत्री माननीय राकेश कुमार वर्मा, उनके साथ में बाराबंकी से काफी नेतागण तशरीफ लाए, जिसमें गुड्डू बाराबंकी, फैजी हजरतपुर, स्वर्गीय बैनी प्रसाद के साथियों में उनके प्रतिनिधि रहे जनाब एडवोकेट शहाब खालिद जी भी उनके साथ में तशरीफ लाए। उसके बाद में मैला रायगंज क्रिकेट कमेटी के जो मेम्बरान रहे, जिसमें आयोजक नादिर हाशमी भावी प्रधान, शहाबुद्दीन अंसारी पूर्व प्रधान, गालिब हाशमी, कैफ आजमी, हजला नयाब, मनोज यादव, विष्णु सोनी, जुबैर, दिनेश मिन्हाज, काफी तादाद में दर्शकों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद उठाया। बाराबंकी क्राइम रिपोर्टर बबलू की खास रिपोर्ट। और ये गेंद इसे हल्के हाथों से खेला, गेंद कई फाइल लेके जानी है, अंपायर का इशारा जानना चाहूंगा, तो अंपायर का इशारा 4 रन। और ये गेंद बॉलर नेम बता दें, अंपायर हेलो लगभग 15 से 20 कदमों कर रहे तैयार है बॉलर। और ये गेंद तो खेल गया, खतरनाक हो सकता है, लगता है परसों का खेल लगा फतेहपुर लायंस को, तैयार एक बार फिर। और ये गेंद छोटा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर से, तैयार है बॉलर आदर्श सामने है पिल्लू। और ये गेंद एक बार फिर छोटा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रिजल्ट के संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम नजदीक में फील्डर ने पूरा किया। इस तरह स्कोर में एक रन का और